अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। तारीख थी 27 जून और जगह थी भोपाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर और इसके अलावा विपक्ष के बीच में खूब हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए भ्रष्टाचारी बता दिया था और उनकी लिस्ट निकालने की बीजेपी कार्यकर्ताओं से एक टास्क के तौर पर उन्हें दे दिया था। तमाम भ्रष्टाचार गिनाते हुए एनसीपी जैसी पार्टी के भी खूब भ्रष्टाचार को उन्होंने गिनाया था और विपक्ष के तमाम पार्टियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के एक हफ्ते के भीतर ही बीजेपी यानी महाराष्ट्र की बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसकी तुलना या कहें किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। महाराष्ट्र बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया है, बल्कि इन तमाम नेताओं को जो कि अजीत पवार के साथ आए हैं उनको सरकार में जगह दे दी है और डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक के पद से नवाज दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री 27 जून को भोपाल में खूब गरज रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच भ्रष्टाचार पर खूब बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा था कि अगर उनकी यानी विपक्ष के घोटालों की गारंटी है तो मोदी की तरफ से एक गारंटी है। एक गारंटी ये है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की मैं गारंटी देता हूँ। जिसने देश को लूटा है, जिसने गरीबों को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि अब उन्हें जब जेल की सलाखें दिख रही हैं तो तमाम कवायद यानी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विपक्ष का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इसीलिए बना है ताकि वो भ्रष्टाचार को बचा सके। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद खूब चर्चा हो रही, वहीं इसी बयान को लेकर जब ये प्रकरण हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस ने पूछा है कि वो कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि 70,000 करोड़ भ्रष्ट लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो लोग एक साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि जिन्हें वो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे उन्हें सरकार में शामिल करके कितना वो घोटाला कम हो गया है। बीजेपी ने जो फेयर एंड लवली स्कीम चला रखी है उसको पूरा देश देख रहा है। पहले आप लोगों को भ्रष्ट कहते हैं, फिर ईडी सीबीआई का नोटिस भेजते हैं, रेड करवाते हैं और फिर उन्हें पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो क्या अब वो पाक साफ हो गए? पवन खेड़ा ने ये बातें कही। जी से पूछना चाहते हैं हम कि अभी एक आध दिन पहले वो बता रहे थे कि ये 70,000 करोड़ के भ्रष्ट लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो अब उस 70,000 करोड़ में से कितना कम हो गया आज मोदी जी से गणित करके बता दें जरा, क्योंकि वो A2AB करते रहते हैं ना, तो उनसे पूछिए अभी 2AB में क्या हुआ। अब तो 70,000 करोड़ घटके 20,000, 25,000, 30,000 कितना हुआ। ये फेयर एंड लवली स्कीम जो इन लोगों ने चला रखी है भारतीय जनता पार्टी में, पूरा देश देख रहा है कि आप पहले लोगों को भ्रष्ट कहते हो, उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भिजवा देते हो, रेड्स डलवा देते हो, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो, फिर वो साफ हो जाते हैं। वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, वो और आज जो आपने नाम लिए वो सब हो, कोई हो। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है कि सीधा खेल ईडी और सीबीआई का, जिनके दम पर पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर अपनी पार्टी में इन प्रकार ज्वाइन करा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से तमाम खबरें भी सोशल मीडिया से लेकर तमाम वेबसाइट में तैर रही और इस बयान की क्लिपिंग को भी खूब वायरल किया जा रहा है और लोग तरह तरह के मजे ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में अजीत पवार और उनके साथियों को महाराष्ट्र सरकार में जगह दी गई है उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Actually, everybody know that 29th Prime Minister of India went there and he make a big allegation that all NCP is corrupted, because especially mentioning about the irrigation scam and everything. Now, yesterday we saw this
drama. Basically, it is a clear sponsored game of Enforcement Directorate and their agencies. I don't think it will affect Maharashtra Vikasa Gadi. We will fight against BJP with more vigor, more aggressively. This will not going to affect opposition unity. This is an internal issue of an NCP. Definitely, I am sure that Sharad Pawar is capable enough to deal with that. Earlier, what happened in Maharashtra? They broke Shiv Sena and they took maximum MLAs of Shiv Sena. People of Maharashtra given a clear verdict after that, through the by-elections, where they are standing. Because people will not go by all these defectors. They know why they are defecting. Because of the cases, because of something else, they are changing the party loyalty. That doesn't mean that entire people of that party and their workers of that party also going along with them. It will not happen. It didn't happen when Shiv Sena splitted. It will not happen now also. Sharad Pawarji also very much confident, and he is the tallest leader of that party. He is very competent also.